हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपको यूज ऑफ वॉज और वर के बारे में बताऊंगी कि हम वॉज और वर कहाँ पर यूज करते हैं और बच्चों को आप कितने आसान तरीके से लर्न करा सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों को वॉज और वर सिखाने के लिए आप इस तरीके से एक पिक्चर बना के दीजिए और सेंटर में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वॉज, तो वॉज आपका कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो मैंने इसकी लीव्स में लिख दिया है, जैसे आई, ही, शी, दिस, इट, दैट। तो ये सब क्या है, हमारे सिंगुलर होते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिंगुलर भी लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा, बच्चों को एक तो पिक्चर से आसानी से समझ में भी आएगा और वो लर्न भी कर लेगा। और हिंदी में भी आप बता सकते हैं कि वॉज का मतलब हिंदी में क्या होता है, था, थी। कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पास्ट के लिए बताते हैं कि वो काम कर रहा था या कर रही थी, तब हम वॉज का यूज करते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर वर जो होता है हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है, नाउन और प्रोनाउन ही यूज होते हैं इसमें भी। और एग्जाम्पल है यू, वी, दे, दीस, दोस। हिंदी में आप उन्हें थी और थे, ये भी आप बताएंगे कि वर को जो हिंदी में हम बोलते हैं वो थी या थे बोलते हैं। तो जब बच्चे को इस तरीके से सारा समझ में आ जाएगा, उसके बाद बच्चे को आप सेंटेंसेस बनाकर दीजिए। उसके बाद आप इस तरीके से करा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोनाउंस लिख दिए हैं, हाँ, आई, ही, शी, इट, और यहाँ पे एक कॉमन वर्ड लिख दिया है वॉज, और यहाँ पे डांसिंग। तो आप ऐसे जोड़ जोड़ के सेंटेंसेस बना के बता सकते हैं बच्चों को, आई वॉज डांसिंग, ही वॉज डांसिंग, शी वॉज डांसिंग, इट वॉज डांसिंग। तो बच्चों को इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे। उसके बाद आप वर्ब में भी ऐसे यूज कीजिए, वी वर डांसिंग, यू वर डांसिंग, दे वर डांसिंग, दीज वर डांसिंग, दोज वर डांसिंग। नेक्स्ट आता है इसमें कंप्लीट द सेंटेंसेस। जब आपने सेम वर्ड के वॉज और वर अलग अलग करा दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, मिक्स सेंटेंसेस देने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं मैं, और वॉज और वर फिल करना है, कहीं पे वॉज आएगा कहीं पे वर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी डैश गोइंग टू मार्केट, तो क्या आएगा इसमें, वी के साथ क्या यूज होता है, वर। तो वी वर गोइंग टू मार्केट। उसके बाद ही डैश एन इंटेलिजेंट बॉय, ही वॉज, ही के साथ वॉज। दिस ट्री डैश ग्रीन, वॉज वर, वॉज, दिस ट्री वॉज ग्रीन। यू डैश माई फ्रेंड्स, यू के साथ क्या आता है, वर। दैट डैश ए कार, दैट के साथ वॉज, दैट वॉज अ कार। Those people dash in an army, was or were, those people were. This pen dash so good, this pen was so good. तो इस तरीके से आप सिंगुलर और प्लूरल में बच्चों को अंतर समझाइए। It dash hot yesterday, it was hot yesterday. He, she dash sleeping, was or were, she was sleeping. It dash her pen, it was her pen. तो आप इस तरह से मिक्स सेंटेंसेस दीजिए जिससे कि बच्चे को वॉज और वर में डिफरेंस समझ में आ जाए। लास्ट एक्टिविटी आती है इसमें कि मैंने क्या किया है, इसमें एक बटरफ्लाई में वॉज लिख दिया है, दूसरी बटरफ्लाई में मैंने वर लिखा है। तो बच्चों को आप इस तरह से एक्टिविटी दे सकते हैं, मैंने क्या किया है इसमें सर्कल्स में नाउन और प्रोनाउन फिल कर दिए हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा बच्चों को कि पहले वॉज से रिलेटेड जितने भी हमारे नाउन और प्रोनाउन हैं जो यूज होते हैं वॉज के लिए, उनको येलो कलर कर दें और बाकी के जो हैं उनमें ऑरेंज कलर कर दें। तो इस तरह से क्या होगा, ये बटरफ्लाई में जो एक तरह की एक्टिविटी भी होगी और बच्चे को इंटरेस्ट भी आएगा। तो जैसे वॉज है तो वॉज किस किस के साथ यूज होता है, आई के साथ, शी
नेम रवि ही। इस तरीके से जब बच्चे की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए उसके बाद बच्चे को बाकियों में ऑरेंज कलर जब वो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेगा जैसे कि यू वाले यू कलर में जो हैं वो सारे आपके सिंगुलर के लिए यूज होते हैं यानी वॉज के लिए यूज होते हैं और बाकी जो ऑरेंज कलर में है वो आपके एक्स्ट्रा हो गए। तो इस तरीके से जब वो एक्टिविटी कर लेगा उसके बाद उसको बटरफ्लाई में कलर करने के लिए दीजिए। तो जैसे यहाँ पे फिर मेरा वो कलर करने का इस तरीके से जब ये पूरी बटरफ्लाई तैयार हो जाएगी तो ये इस तरह से लगेगी तो बच्चे को इंटरेस्ट भी आएगा और समझ भी पाएगा। जैसे मैंने ये वाली एक्टिविटी कराई है सेम ऐसे ही आपको ये वाली करानी है। तो इसमें क्या करना है, इसमें बच्चे को वर के साथ जो यूज होते हैं वो येलो कलर करना है, यू के साथ वर, दे के साथ इस तरीके से और बाकियों में ऑरेंज। इसमें भी जब ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए फिर आप उसे कलर करने के लिए दीजिए बच्चा को। इसमें तो इस तरीके से आप एक्टिविटी कराइए बॉस और वर में, बच्चों को आसानी से अंतर भी समझ में आएगा और बच्चा इंटरेस्ट के साथ उसको करेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।